दुनिया के सबसे नए राष्ट्रों में से एक है इजराइल, जिसकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है। इजराइल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि देश चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा है, लेकिन इजराइल का दबदबा ऐसा है कि इसे दुश्मन देश इससे खौफ खाते हैं। आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इजराइल को एक पावरफुल कंट्री बनाती है और जिस वजह से उसके दुश्मन देश खौफ खाते हैं। डिफेंस बजट। भारत ने 2016 में अपने डिफेंस बजट पर 55.9 बिलियन डॉलर खर्च किए थे, जो कि भारत की जीडीपी का 2.5% है, जबकि 2016 में इजराइल ने अपने डिफेंस बजट पर 17.8 बिलियन डॉलर खर्च किया था, जो कि इजराइल के जीडीपी का 5.8% है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल अपने रक्षा बजट पर कितना ध्यान देता है। आर्मी। इजराइल की सेना पर शुमार दुनिया की बड़ी सेनाओं में होता है। इजराइल के हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत और अचूक है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दुनिया का एक लौता देश है जो पूरी तरह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इजराइल के किसी भी हिस्से में दागा जाने वाला मिसाइल रास्ते में ही खत्म कर दिया जाता है। सैटेलाइट सिस्टम। दुनिया के उन 9 देशों में से एक इजराइल भी एक है जिसके पास अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। इजराइल अपना सैटेलाइट सिस्टम किसी के साथ शेयर नहीं करता है। मोसाद। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है मोसाद, जो अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में घुसकर मारती है। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी कहा जाता है। क्रूज मिसाइल। इजराइल की ये एक मीडियम रेंज IDF का सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो एक मिनी टॉमहॉक मिसाइल की तरह है। 250 किलोमीटर की सीमा के अंदर का सबसे हल्का और कॉम्पैक्ट मिसाइल है। इसे F-15/16 और UH-60 हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। Arrow-3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। वैसे तो अमेरिका ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों को डेवलप किया है, लेकिन सबसे पावरफुल Arrow-3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी ABM सिस्टम को माना जाता है। इस मिसाइल को अमेरिकी MIM-104 पैट्रियट ABM सिस्टम की तुलना में ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए डेवलप किया गया था। आयरन डोम। इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्री का सबसे फेमस वेपन आयरन डोम इंस्पेक्टर सिस्टम है। ये एक CRAM यानी काउंटर रॉकेट आर्टिलरी मोर्टार मिसाइल सिस्टम है, जो टायर इंटरस्पेक्ट मिसाइल का इस्तेमाल अपने टारगेट को साधने के लिए करता है। मार्केवा टैंक। मार्केवा टैंक को 1980 में विकसित किया गया था, जो उस वक्त इजराइल की सैन्य आवश्यकताओं के अनुसार था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसे काफी डेवलप किया गया है। मार्केवा 4 इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें पहले के मार्केवा टैंक के मुकाबले कई सुधार किए गए हैं। मार्केवा एंटी टैंक मिसाइल लाहत से लैस है, जो इसे दुश्मनों के टैंकों को दूरी से नष्ट करने की खूबी देता है।